बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं यार, ये कारफोर है पाकिस्तान में तो सुना है वो प्याज का रेट जो है जी बहुत महंगा है यार। यहाँ पर देख लें, एक कारफोर का रेट है 8 रियाल किलो, 10 रियाल से डिस्काउंट करके। फिर अच्छा, आपके आप किस शहर में है वहाँ पर क्या रेट रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल कारफोर का भाई रेट तो आपके सामने है, बहुत ज़्यादा रेट हो चुका है यार प्याज का गंडे। अच्छा बहरहाल रेट के मुतलक बात करते हैं जी। स्टेट बैंक सैटरडे संडे एंड क्लोज आपको पता है, और मंडे वाले दिन भाई डॉलर का कन्फर्म पता चलेगा डॉलर ऊपर जाता है या नीचे आता है। मेरे नज़दीक रियाल और डॉलर में आने वाले दिनों में इजाफा होने वाला है, जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम रियाल रेट की बात करें तो एक मैं आपको चीज़ तमाम मेरे परदेशियों के लिए खास बोलता हूँ, भाइयों के लिए है। ये भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल क्या है मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ, साथ में दिखा भी रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास 15,000 रियाल हैं और मैं तकरीबन 1 मार्च को पाकिस्तान जा रहा हूँ, और क्या मैं डॉलर साथ में ले जाऊँ रियाल के मुतबादल या रियाल ही ले जाऊँ। बहुत अच्छा सवाल, मैं कुछ वीडियोज़ में इस चीज़ के ऊपर भी जिक्र मैंने किया है कि आप अगर सऊदी अरब में मुकीम हैं तो आप छुट्टी जाने वाले हैं आने वाले 1-2-3 मंथ के बाद भी, तो आप अपने पास रियाल रखेंगे। चलो यार साथ ले जाऊंगा, जाहिर सी बात है अगर ये रियाल भी साथ ले जाएंगे तो कन्फर्म बात है इनको 15 से 20 हज़ार रुपये का तो फ़ायदा होगा ही। वो कैसे, आपको पता है पाकिस्तान में रियाल का रेट ज़्यादा होता है ओपन मार्केट में जो सऊदी बैंकों से भेजते हैं उनकी निस्बत, 15-20 हज़ार का तो इनको फ़ायदा होगा, डिफरेंट कन्फर्म है ये तो। अच्छा अगर इससे भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए तो वो बेस्ट है यार। अगर मिसाल के तौर पर 30-35 या हो सकता है 50 तक फ़ायदा हो जाए, वो कैसे, मैं बात सुन लीजिए। पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता अगर हमने डॉलर लेने हो तो वो बोलते हैं डॉलर आपने क्यों लेने हैं, किसके लिए लेने हैं, कैसे लेने हैं। मिसाल के तौर पर अपना पासपोर्ट लाएँ, टिकट दिखाएँ, आप अगर बाहर कंट्री जा रखे हैं तो आपको फिर भी वो मेरा ख्याल $100 या $200 इतनी महदूद मुद्दत महदूद सी रकम देते हैं बस, और इसके अलावा डॉलर नहीं मिलते हैं पाकिस्तान में। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं है, सऊदी अरब में भाई आपको जितने डॉलर चाहिए आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, ले भी सकते हैं। अच्छा ये भाई साहब को मैंने यही बोला है कि आप बैंक जाएं, बैंक जाकर इंजाज चले जाएं, राजी चले जाएं, किसी भी बैंक में चले जाएं, वहां से जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। उनको बोलिएगा कि मुझे भाई डॉलर दे दें, ये 15,000 रियाल उनको दे दीजिएगा और रेट पहले पूछ लीजिएगा, आपको रेट कन्फर्म जो बैंक का होगा वो बता दिया जाएगा, नेट के ऊपर आप खुद भी सर्च करके चेक कर सकते हैं। डॉलर लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, डॉलर पाकिस्तान ले जाइएगा जब आप जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ही जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा, अच्छा खासा फ़ायदा होगा मेरे नज़दीक। बहरहाल 1 मार्च को इस बात के ऊपर बात करेंगे जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भाई साहब को कितना फ़ायदा हुआ। अगर हम रियाल रेट की बात करें तो भाई आपको मैं मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बता दूँ, इनमें STC पे आज का रेट 73 रुपये 72 पैसे, 10, 17 और 23 रल फीस। तहवील राजी बैंक 73 रुपये 75 पैसे रेट, 10, 17 और 23 रल फीस। एंड अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो भाई उनका रेट आज का 73 रुपये 70 पैसे, 10, 17 और 23 रल फीस के साथ। मनीग्राम की बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 70 पैसे, 10, 17 और 23 रल फीस के साथ। टैली मनी यानी कि ANB बैंक की अगर बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 87 पैसे, अच्छा रेट है भाई इनका, 10, 17 और 23 रल फीस। अगर बात करें फौरी बैंक बैंक जजीरा की तो भाई इनका जो आज का रेट है वो है 73 रुपये 85 पैसे, 10, 17 और 23 रल फीस के साथ। अगर आप इंजाज बैंक से भेजना चाह रखे हैं 73 रुपये 75 पैसे रेट, 10, 17 और 23 फीस। एंड अगर बात करें क्विक पे की तो 73 रुपये 97 पैसे, अच्छा रेट है क्विक पे का आज का। आप क्विक पे से पाकिस्तान सेंड करेंगे, आप किसी भी बैंक से पैसे वो ले सकते हैं, चाहे आपके नाम के तौर पर ही क्यों ना वो जाएं। वेस्टर्न यूनियन की शाख पाकिस्तान में अब हर शहर में बन चुकी है, आप उनसे भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंडी की तो फ्रेंडी आज का रेट 73 रुपये 82 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है, और रियाल और डॉलर में मेरे नज़दीक आने वाले दिनों में इजाफा देखने को मिलेगा।